दोस्तों अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन के खेल की शुरुआत में ही जडेजा, अश्विन और आकाशदीप ने मिलकर बांग्लादेश को कुछ ऐसे ऑल आउट कर डाला कि भारत ने इस मैच को गेंदबाजी से ही जीत लिया है, बल्लेबाजी की जरूरत ही नहीं है। आखिरकार कैसे अश्विन जडेजा की जोड़ी और आकाशदीप के तूफान के आगे ये टीम जमीन पर लेटती हुई नजर आई। आपको इनकी ताबड़तोड़ गेंदबाजी और रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी भारत की परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों बारिश के चलते दो दिन खराब होने के बावजूद मुकाबला दो दिन के अंदर कैसे जीता जाता है ये कोई भारतीय क्रिकेट टीम से सीखे। पहले दिन के खेल में 35 ओवर हुए और उसके बाद दो दिन तक विलंब डाला बारिश ने, लेकिन तीसरे दिन का खेल कुछ ऐसा था कि भारतीय मूल के हर एक खिलाड़ी ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से 3 ओवर में 50 रन बने थे, 51 में 72 जायसवाल के थे, 11 में 23 रोहित शर्मा के, 39 शुभमन गिल लगाकर गए 47 कोहली तो 68 केएल राहुल, कुल मिलाकर टोटल बन गया 285 का। अब कहने को तो हमने बांग्लादेश से कोई बहुत ज्यादा रन लगाए नहीं थे जिससे कि एक बड़ा टारगेट बन सके, लेकिन बांग्लादेश की टीम को तो हम ऑल आउट कर सकते थे ना, वो भी कम स्कोर पर, जो हमने करके भी दिखाया। और इसका क्रेडिट जाता है भारत के उन 3 योद्धाओं को जिनके चलते भारतीय क्रिकेट टीम की जीत ऐतिहासिक बन जाएगी आज, रविचंद्र अश्विन, आकाशदीप और रविंद्र जडेजा। सबसे पहले दोस्तों जाकिर हसन को आउट किया था रविचंद्र अश्विन ने, इनका विकेट तो दोस्तों चौथे दिन ही हमें मिल गया था और तब स्कोर था 26 पर 2 विकेट। जो दूसरा विकेट था वो था हसन महमूद का जो अश्विन ने ही लिया था, लेकिन आज हुआ असली फेरबदल। मोमिनुल जिन्होंने दोस्तों पिछली पारी में शतक लगाया था वो अभी 36 रन पर अपनी टीम को ला ही थे, वो 2 रन पर खेल ही रहे थे। पारी के 14वें ओवर की 3री गेंद आती है और अश्विन इनको भी आउट करवाते हैं राहुल के हाथों। इससे दोस्तों इस टीम के 36 पर 3 विकेट हो जाते हैं, लेकिन असली गेम अब शुरू होना था। अब दोस्तों चौथा विकेट गिरा जो कि था नजमुल हुसैन का, और इनका विकेट लेने के लिए जड्डू ने खास षड्यंत्र रचा, ऐसी शानदार स्लोअर गेंद डाली कि ये क्लीन बोल्ड हो गए 19 रन पर। दोस्तों अब स्कोर पर नजर डालिए, 91 पर 4 विकेट हो गए थे, लेकिन यही 91 पर 4 94 पर 7 में कन्वर्ट हो गए, वो भी बिना किसी वक्त के जाया किए। अभी 93 रन हुए ही थे कि शादमान इस्लाम जो टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन है 50 रन बना चुके थे, आकाशदीप आए और 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने इनको कैच आउट करा डाला। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच पकड़ा, इनका विकेट गिरा और फिर तो ताश के पत्तों की तरह बांग्लादेशी टीम बिखर गई। लिटन दास जो टीम की एक अहम कड़ी है उनको जड्डू ने पंत के हाथों कैच आउट कराया और शाकिब अल हसन को 0 पर ही कोट एंड बोल्ड कर दिया, तो हो गए 94 पर 7 विकेट और बांग्लादेश की लीड अभी मात्र और मात्र 52 रन की थी। अब ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा ही टोटल बन जाता, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत तो पक्की थी, 100% कंफर्म हो चुकी थी। दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी आज हुई है और दोस्तों जडेजा अश्विन ने तो जबरदस्त गेंदबाजी कर मैच को लगभग खत्म किया ही, लेकिन इसे अंजाम दिया बुमराह ने भी, क्योंकि बुमराह ने मेहदी हसन का विकेट लिया जो 17 गेंदे खेल कर 9 रन बना चुके थे। बुम बुम बुमराह ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार से विचलित करते हुए मेहदी हसन को ऐसी यॉर्कर गेंद डाली कि 200 गेंद उनके बल्ले कैच लेकर सीधा पंत के हाथों में गई और 37वें ओवर की 3री गेंद पर पंत ने इस कैच को पकड़कर 8वां विकेट गिरवाया था बांग्लादेश का। 200 हमारे सामने तो टारगेट 100 रन का भी नहीं था और यहां से हमारी जीत 100% कंफर्म ही थी। वैसे आप सभी जडेजा, अश्विन और बुमराह की इस ताबड़तोड़ गेंदबाजी को 10 में से आज कितने नंबर देंगे जिसने हमें मैच ही जिता दिया है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, धन्यवाद। तो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन आकाशदीप और रविचंद्र अश्विन ने की ऐसी खतरनाक गेंदबाजी जिसे देख पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर बांग्लादेश की केवल टॉप ऑर्डर को ही ध्वस्त नहीं कर दिया बल्कि उनके घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। तो इन दोनों की खतरनाक गेंदबाजी के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने बड़ा और चौंका देने वाले बयान दिए हैं, तो किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी से खुश हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने चेन्नई के मैदान पर शानदार तरीके से जीतकर आगाज किया। अब ये कारवा कानपुर के ग्रीन पार्क में जा पहुंचा। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बैट
बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद हर किसी को थी। बांग्लादेश के बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं सके। भारत की तरफ से नौवां ओवर लेकर आए अर्शदीप ने ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर जाकिर हसन को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। इसके बाद भी आकाशदीप रुके नहीं। 12वें ओवर में आकाशदीप ने सादनाम इस्लाम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 29 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश ने अपने 2 विकेट खो दिए थे, लेकिन उसके बाद मोमिनुल हक और शांतो ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। दोनों ने 50 रनों के पास। जब लंच ब्रेक के बाद ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से मैदान पर आए, तब स्पिन के जादूगर अश्विन का बोलबाला देखने को मिला। लंच ब्रेक के बाद आते ही अश्विन ने 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान नजमुल हुसैन संतू को LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 80 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा था। मुस्तफिकुर रहीम और मोमिनुल हक ने मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पास पहुंचा दिया था, लेकिन 35वें ओवर में बारिश में आकर मैच को किरकिरा कर दिया और बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया, जिसके कारण दोनों अंपायरों ने मिलकर आज के मुकाबले को यहीं पर समाप्त कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन देखकर काफी हैरान हुए और फिर ऐसा बयान दिया कि जिसे सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ भारत की गेंदबाजी पर कहा है। सबसे पहले वसीम अकरम ने बात करते हुए कहा कि अश्विन और आकाशदीप ने जबरदस्त गेंदबाजी की, बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया, ये कोई आसान काम नहीं। लेकिन जब सामने अश्विन हो तब आप यही उम्मीद करते हैं, इसलिए इन्हें दुनिया का नंबर 1 स्पिनर गेंदबाज भी कहा जाता है। इन्हें बखूबी मैच को पलटना आता है। अश्विन की वजह से टीम इंडिया अक्सर मुकाबला जीत जाती है। उन्हीं की वजह से बांग्लादेश का मैच में बहुत बुरा हाल देखने को मिला। टीम इंडिया नंबर 1 टीम यूं ही नहीं कही जाती है। मुझे लगता है कानपुर टेस्ट भारतीय टीम बड़े ही आसानी से जीत जाएगी। वहीं दोस्तों शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि भाई मैं तो भारतीय गेंदबाजों को सैल्यूट करना चाहूंगा। बांग्लादेश की टीम को आकाशदीप और अश्विन ने ऐसी धूल चटाई जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इन गेंदबाजों ने भारत को मैच में जबरदस्त वापसी कराई। बांग्लादेश के एक भी बल्लेबाज इन दोनों गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सके। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला। बड़े ही आसानी से भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत सकती है और इस मैच के असली हीरो हो सकते हैं अश्विन और आकाशदीप। वहीं दोस्तों शाहिद अफरीदी ने बात करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त खेल दिखाया। बांग्लादेश जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, सच्चाई तो यही है कि भारत को भारत में हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और बांग्लादेश तो अब कभी भी ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकती है, चाहे वो कितने भी हाथ पांव मार ले। वहीं दोस्तों शोएब मलिक ने बात करते हुए कहा कि हमें तो लगता था भारत दूसरा टेस्ट मैच हार जाएगा, लेकिन आकाशदीप और अश्विन ने मैच को पलट दिया। जबरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है। मैं जितनी भी तारीफ करूं भारतीय खिलाड़ियों की कम है। अश्विन के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक जाते हैं, ये दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते हैं, तो बांग्लादेश उनके सामने कहां ही टिक पाती। पहले से ही पता था बांग्लादेश का कुछ नहीं होने वाला, टीम इंडिया आसानी से क्लीन स्वीप कर सकती है। दोस्तों आप इन दिग्गजों के इस बयान पर क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जडेजा, जसप्रीत बुमराह और अश्विन ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को रौंद कर जीता पहला टेस्ट मैच और बचा दिया पूरे क्रिकेट जगत में भारत का डंका। तो अब बुमराह अश्विन का यह तूफानी प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम और शोएब मलिक जैसे बड़े बड़े महान पाकिस्तानी दिग्गजों ने अब टीम इंडिया की जीत और भारतीय खिलाड़ियों की कातिलाना गेंदबाजी पर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बताएंगे आपको हम कि किसने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह में से किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हालत खराब है। चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले, तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। शायद अब तक आपको भी हंसी आ गई होगी, क्योंकि बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा ही हुआ। बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गवा दिया, तो फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने 3 दिनों का अंत आते आते भारत की जीत को 99.9% सुनिश्चित कर दिया। हालांकि तीसरे दिन टीम इंडिया मैच को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि खराब मौसम के चलते मैच को रोक दिया गया, जहां 3 दिनों का खेल खत्म होने तक
37.02 ओवर में बांग्लादेश ने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में नजर आ रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने चतुराई दिखाते हुए अश्विन और जडेजा को बुलाया। इन दोनों गेंदबाजों ने मैदान पर आते ही मैच का पूरा रुख बदल दिया। एक के बाद एक विकेट उखाड़ कर बांग्लादेश को घुटनों पर टिकवा दिया और टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर ली और 4 दिन में ही टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए। वो तो टीम इंडिया से भी ज्यादा जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, साथ ही साथ फिर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर